इससे बहुत ही हमारे शासन की बदनामी भी होती है और यहाँ पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। लाखों लोग आते हैं जो ऐसे गद्दे माहौल में वो अपने आप को ठीक मैसेज लेकर नहीं जाते यहाँ से। देखिए सासाराम नगर निगम भ्रष्टाचार का जननी है। हमें किताबों के बारे में ये बताया जाता है कि हमें गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, गंदगी फैलाना पाप है। और हमारे घर के पास ही इतनी गंदगी है, ये इतना बड़ा मकबरा बना हुआ है। और बहुत बार नगर पालिका लोग यहाँ पर कंप्लेंट किए थे हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ करके कुछ साहब वो बोले कि आखिर कहाँ जाएगा। सभी लोगों ने यहाँ घोल मटोल पैसों को कर करके यहाँ ससराम में गंदगी फैला दिए हैं। ये नगर निगम का मतलब यहाँ पे कुछ हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि ये जो पीछे आप हमारे देख सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसे भारत के दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और ये सड़क है, आपको हम बता दें कि सड़क को रोजा रोड नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। और इसी सड़क का प्रयोग करके सासाराम और जो सासाराम के बाहर के लोग हैं इसी सड़क का प्रयोग करके शेरशाह सूरी के मकबरे का दीदार करने के लिए आते हैं। लेकिन हम आपको इस खबर में बता दें कि सासाराम नगर निगम का एक नमूना आपको दिखाना चाहेंगे। सासाराम नगर निगम आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ किया हुआ है। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ से लेकर उस मकबरे तक, यानी कि मकबरे के पास आप लास्ट तक देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कचरा और कूड़ा का किया हुआ है। यानी कि सासाराम नगर निगम के द्वारा इन पूरे एरिया को, पूरे सड़क को किनारे में कचरा कूड़ा का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। और आपको हम बता दें कि सासाराम नगर निगम को एक तरफ सोचना चाहिए कि जहां पर पूरे भारत के लोग आते हैं देखने के लिए इस मकबरे को, या साथ साथ आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक स्थल है, यहां पर कोई कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, आने वाले लोगों में एक अच्छा इमेज बने सासाराम के प्रति और साथ ही साथ टूरिस्टों में संख्या बढ़े। लेकिन सासाराम नगर निगम क्या हाल बना के रखा है कि जो एक बार व्यक्ति अगर बाहर से आ जाए तो दोबारा यहाँ पर आने का नाम नहीं ले। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर कूड़ा कचरा का डंपिंग बना दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर इतना अलग अलग प्रकार की दुर्गंध निकल कर आ रही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खुद हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ सोच सकते हैं कि इस कूड़े कचरे की वजह से न जाने कितने प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि सासाराम नगर निगम सासाराम का क्या हाल बना के रखा है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे पूरा का पूरा रेसिडेंट इलाका है, सब लोग रहते हैं, सासाराम के लोग रहते हैं। यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा है और दोनों के जस्ट बीचों बीच यहाँ पर पूरा का पूरा कचरा कूड़ा का डंपिंग यार्ड बना दिया गया, जो कि कोई और नहीं बनाया है, सासाराम के लोग नहीं बनाया है, बल्कि सासाराम नगर निगम बनाया है। सासाराम नगर निगम को जो जिम्मेवारी होती है, कोई भी नगर निगम की जिम्मेवारी होती है कि शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे। और पूरा सासाराम शहर में आपको दिखा दे कि सासाराम नगर निगम के द्वारा लिखा गया है पोस्टर पे, बैनर पे कि स्वच्छ सासाराम, सुंदर सासाराम। लेकिन जहाँ पर सासाराम का जो ऐतिहासिक विरासत है जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, उसके जस्ट बगल में सासाराम नगर निगम क्या हाल बना कर रखा है, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहां से लेकर लास्ट तक। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सासाराम के आसपास के लोगों को, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मकबरे के आसपास के लोगों को इस पर क्या कुछ कहते हैं। ये हमारे सासाराम का धरोहर है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसे घूमने के लिए बहुत सारे दूर से टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और इसी रास्ते में यहाँ इतना सारा, आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा डंपिंग किया गया है, और इससे इतना परेशानी होती है टूरिस्ट को, जो हमारे सासाराम के बारे में बोलते हैं सारा कचरा वाला शहर है सासाराम। इससे बहुत ही हमारे सासाराम की बदनामी भी होती है और यहाँ पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो डंपिंग बनाया गया है, प्रशासन को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए कि यहाँ से बहुत कहीं दूरी पर ले जाकर इसका व्यवस्था करें। इसलिए कि यहाँ बहुत सारे लोग सुबह में टहलते हैं, तो इससे ये पार्क है और सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ टहलते हैं, तो ये गंदगी से रोग फैलने का खतरा है। हमारा यही विचार है कि इस पे नगर पालिका को, खासकर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो है कहीं व्यवस्था दूसरे जगह करना चाहिए। बहुत सारा जगह है, 4 लेन पे है, ये थोड़ा कॉस्ट भागेगा नगर पालिका का, लेकिन ये हो जाएगा। और यहाँ तो पब्लिक रेजिडेंशियल है, ये तो मोहल्ला है, यहाँ ये कंपनी सराय मोहल्ला है। तब पहले यहाँ डंपिंग नहीं होता था, पता नहीं किस कारण से ये लोग करना चालू कर दिए, और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसको यहाँ से उठाकर कहीं दूसरे जगह व्यवस्था करना चाहिए और साफ सुथरा। और ये अभी शेरशाह का वो जो मकबरा है, वहाँ जो पार्क है, अभी गेट नहीं खुला हुआ है, लोग टहलने के लिए वहाँ सुबह सुबह जाते थे, मोहल्ले के लोग जाते थे। हमारा ये भी है नगर पालिका से, और चाहे वो पर्यटक जो विभाग है उससे कि कम से कम वो गेट खुलवा दे कि अंदर पार्क में जो टहलते थे सुबह सुबह, सभी लोग जाते थे, मोहल्ले के महिलाएं जाती थी, उनको दिक्कत हो रहा है इसलिए कि गेट बंद है। कोरोना का प्रोटोकॉल जो है अभी सरकार के गाइडलाइन के तहत वो सब खत्म हो गया, खोलने का हर जगह आते, पता नहीं क्यों यहाँ नहीं खुल रहा है। अब प्रशासन जाने और
ये जाने में। डंपिंग यार्ड जो पहले तो यहाँ नहीं था, इधर हाल के कुछ वर्षों से ये डंपिंग यार्ड जैसे ट्रीट किया जा रहा है। हमारा कहना यही होगा प्रशासन से कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो पूरे भारत के लोग और यहाँ विश्व के लोग भी कहीं से आते हैं यहाँ देखने के लिए। सिरसा का नाम पूरे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, एक रूलर अच्छा था जो वास्तव में हिंदुस्तान की सरकार को अच्छा शासन दिया था, उसके नाम से ये मकबरा बना, उन्होंने बनाया। तो ऐसा जगह है ये जो मॉन्यूमेंट्स के रूप में विख्यात है और यहाँ देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। जो ऐसे गद्दे माहौल में वो अपने आप को ठीक मैसेज लेकर नहीं जाते यहाँ से, तो ये डंपिंग यार्ड हटना चाहिए। आए दिन में बहुत परेशानी होती है और गंध के कारण लोगों का जीना थोड़ा दुष्कर हो गया, दुष्कर हो गया यहाँ पर। तो हमें निवेदन है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। देखिए सासाराम नगर निगम भ्रष्टाचार का जननी है, यहाँ चारों तरफ यहाँ कचरा ही गंदगी और बारिश के समय में जल जमाव, ये विश्व धरोहर है सिरसा का मुकबरा पानी का। और हमारे पीछे में ये है विश्व धरोहर सिरसा का मुकबरा, इसके चारों तरफ कचरा ही कचरा है, गंदगी ही गंदगी है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं विदेशी ना, ये सारे ये पूरा यहाँ का शिकायत करके जाते हैं कि विश्व धरोहर में है सिरसा मुकबरा और यहाँ चारों तरफ गंदगी है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें किताबों के बारे में ये बताया जाता है कि हमें गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, गंदगी फैलाना पाप है। और हमारे घर के पास ही इतनी गंदगी है, ये इतना बड़ा मकबरा बना हुआ है, इसके बगल में इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे यह परेशानी होती है कि जब भी मैं स्कूल अपने बस से आता हूँ तो इतनी गंध होती है, इतनी गंदगी आती है कि खिड़की खोलने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। आदमी को बदबू से परेशान है, गंदगी से परेशान है लोग, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि इसको किसी सरकार से मांग किया जाए कि यहाँ पर ये चीज़ ना हो गए। जब आप लोग नगर पालिका में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए? अरे बहुत बार नगर पालिका लोग यहाँ पर कंप्लेंट किए थे हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ करके कोई साहब वो बोले कि आखिर कहाँ जाएगा इसको, यहाँ से हम उठवा के भिगवा दे रहे हैं फिर बाद में। अरे सर कब उठवाइएगा, जब गंदगी पैदा हो जाएगा तब उठवाइएगा, जब बीमारी हो जाएगी तब आप हटवाइएगा इसको। देखिए शेर शाह का मकबरा जो है ये देश का धरोहर है और उसके आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य होता है, यहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ के नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन समेत सभी लोगों ने यहाँ घोल मटोल पैसों को कर करके यहाँ ससराम में गंदगी फैला दिए हैं। इसलिए मैं आग्रह करूँगा प्रशासन से कि यहाँ के कूड़ा कचरा को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ये जो सिरसा का मकबरा जो हमारे इतिहास की जो धरोहर है, इस पे पहले तो हमारा जो ससराम में जो नगर निगम था, ये नगर निगम का मतलब यहाँ पे कुछ हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे कचरा था नहीं, अब यहाँ पे डंपिंग पूरा कर दिए हैं, इसके चलते बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है और जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं बहुत सारी गंदगियों को देखकर मतलब यहाँ ससराम के नाम से लोग अब घृणा कर रहे हैं कि भाई अब ससराम में क्या रह गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं बस यही देखते हैं कि बस यहाँ इधर कचरा है उधर कचरा है। हमारी नगर निगम इस पर कुछ ध्यान उतनी अच्छे से दे नहीं पाती है, तो यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से तरीके से ध्यान दिया जाए और यहाँ पर डंपिंग जो पूरा है इनको हटाने का प्रयास किया जाए। अभी आपने सुना यहाँ के आसपास के लोगों को, सभी लोगों ने अपनी अपनी परेशानी रखी, साथ ही साथ सभी लोगों ने बताया कि इस कूड़ा कचरा के वजह से सासाराम का इमेज तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ दुर्गंध इसके इतना निकलती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव रेडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।